पीली किसान बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, मूंगफली, ज्वार, लहसुन, तिल और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई में तेजी, 31.51 मिलियन टन पैदावार अनुमानित। आइए बात करते हैं मक्का के बाजार की। बता दें, चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। वहीं इस साल देश में मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 की उपज की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उपज की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,00,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,13,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि में बुआई का रकबा 79,85,000 हेक्टेयर रहा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 1,750 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 150 रुपए टूटकर 1,600 रुपए हो गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी में सोमवार को मक्का के सौदे 2,530 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 18 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,825 रुपए, जो कि 20 सितंबर को भी 1,825 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 20 सितंबर को इसका भाव 20 रुपए गिरकर 1,600 रुपए से 1,580 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में 18 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए, 20 सितंबर को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 1,660 रुपए पर पहुंच गया। तो अभी आपने जाना मक्का के बाजार के बारे में, किस तरह से कारोबार हो रहा है और अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। चने की पैदावार में हुई बढ़त, अलीगढ़ मंडी में 5,550 रुपए प्रति क्विंटल बिका चना। इस साल हो सकती है मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार, मूंगफली के निर्यात में हुआ अच्छा इजाफा। आइए
बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको, इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की पैदावार 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। तो किस तरह से बना हुआ है चने का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन के औसत उपज की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव रहा 4,600 रुपए, 20 सितंबर को यहां इसका भाव 135 रुपए टूटकर 4,465 रुपए हो गया। राज्य की ही धोराजी मंडी में सोमवार को चने का भाव रहा 4,730 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की गोंडा मंडी में चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 6,020 रुपए, जो कि 20 सितंबर को भी 6,020 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 18 और 20 सितंबर को चना 6,000 रुपए के भाव पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव रहा 5,560 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 10 रुपए की कमजोरी के बाद 5,550 रुपए हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी इस दौरान चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 5,560 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 10 रुपए की गिरावट के बाद 5,550 रुपए के स्तर पर आ गया। तो जाना अभी आपने चने के बाजार के बारे में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो किस तरह के बाजार भाव देश की अलग अलग मंडियों में दर्ज किए गए हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो अमरूद के जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो बता दें अमरूद का भाव यहाँ पर रहा 2,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में इसके सौदे हुए 2,500 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,350 रुपए पर। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में अमरूद के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 3 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार होने का भी अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। आइए जान लेते हैं किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं मूंगफली के बाजार में इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से जून के दौरान मूंगफली के निर्यात में 34,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 118,527 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 83,825 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 48,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 50,76,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 हेक्टेयर रहा था। इस साल देश में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। मूंगफली की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार 10.21 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कई ज्यादा है। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 18 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,130 रुपए, 20 सितंबर को इसके भाव में 425 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,705 रुपए पर आ गया। राज्य की ही धरोल मंडी में भी मूंगफली के भाव में कमजोरी दर्ज हुई। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 5,680 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 95 रुपए टूटकर 5,585 रुपए हो गया। वहीं तेलंगाना राज्य की गदवाल मंडी में इस दौरान मूंगफली की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 4,769 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 31 रुपए की मजबूती के बाद 4,800 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की ललितपुर मंडी में 20 सितंबर को मूंगफली के सौदे 10 रुपए की बढ़त के बाद 5,660 रुपए पर हुए, जबकि 18 सितंबर को यहां इसका भाव रहा 5,650 रुपए। इसी तरह छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 18 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,890 रुपए, 20 सितंबर को यहां इसका भाव 210 रुपए की छलांग लगाकर 5,100 रुपए पर पहुंच गया। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि मूंगफली के निर्यात की स्थिति काफी अच्छी दर्ज की जा रही है और साथ ही साथ घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार भी अच्छी ही अनुमानित है, और ये भी जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में वर्तमान समय में किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि अलग अलग मंडियों में पपीते के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो बता दें पपीते का भाव यहाँ पर रहा 3100 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे हुए 1,500 रुपए पर, और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 1,200 रुपए पर।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,440 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद आइए जानकारी देते हैं आपको अनार के बाजार भाव की। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो बता दें अनार का भाव रहा 8,500 रुपए। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2,000 रुपए पर और राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 4,400 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब हम बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें कि इस साल मोटे अनाज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के ग्यारह अगस्त के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वही बात अगर हम ज्वार की बुआई की करते हैं तो इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले बराबर चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 14,75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 14,75,000 हेक्टेयर ही रहा था। बता दें आपको फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सोमवार को बीते दिनों के मुकाबले कम दर्ज की गई। जी हाँ, इसमें कमी देखने को मिली है। वहीं फिलहाल अगर हम कृषि उपज मंडियों की बात करते हैं तो इन दिनों ज्वार की आवक सीमित ही बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2100 रुपए। जबकि बात करेंगे राजस्थान की मालपुरा मंडी की, तो बता दें यहां पर सौदे हुए 2,340 रुपए पर और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने ज्वार के अगर हम बाजार की बात करते हैं तो किस तरह से अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव बने हुए हैं और बुआई के रकबा भी पिछले साल के मुकाबले बराबर ही बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई ज्वार के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन के हाल के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। शिशुपाल तुम ये क्या कह रहे हो? यह निर्णय हो चुका है कि वसुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यह उचित निर्णय नहीं है। यह कपटी कृष्ण यह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? प्रिय युधिष्ठिर, प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व मैं तथ्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। खेल में पराजित हो गई वस्तुओं को स्वेच्छा से विजेता के अधीन सौंपना होगा। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे लहसुन के बाजार की। बता दें कि लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। जी हाँ, निर्यात में हमने कमी देखी है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक की अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्य ही बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में लहसुन का भाव दर्ज किया गया 9,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन की बिकवाली दर्ज की गई 5,000 रुपए पर और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए।
जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे दर्ज किए गए 6,430 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो लहसुन की पैदावार तो अच्छी रह सकती है, लेकिन निर्यात में यहाँ पर कमी जरूर देखने को मिल रही है और आवक भी देश की अलग अलग मंडियों में सामान्य ही बनी हुई है। ये तो बात हो गई लहसुन के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में गोभी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। तो बता दें आपको गोभी का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 2,375 रुपए। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपए और वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3,000 रुपए पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो यहां पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गोभी के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं प्याज के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्याज का भाव रहा 1,525 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,650 रुपए पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में तिल के बाजार की। बता दें कि इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में तिल की खेती हो रही है। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 67,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 12,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,61,000 हेक्टेयर रहा था। साल 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। बता दें अगर हम इसकी आवक की बात करते हैं तो फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोमवार को तिल की आवक खासी सुस्त ही दर्ज की गई। इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोल मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 9,020 रुपए। इसके साथ ही अगर हम हलवद मंडी की बात करें तो यहां इसकी बिकवाली दर्ज की गई 9,750 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये तो बात हो गई तिल के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, आखिर में बात करते हैं बुलेटिन में सेब के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,96,953 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,11,664 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का जो बाजार भाव है बता दें आपको दर्ज किया गया 2,900 रुपए। इसके साथ ही पंजाब की जलंधर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां इसके सौदे हुए 3,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 5,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2,00,000 टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है। जी हाँ, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान बता दें आपको 23,16,000 टन दर्ज की गई थी।
तो जाना देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं, और अगर हम इसके पैदावार की बात करते हैं तो इसमें भी इस बार बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको बुलेटिन में कि देश की अलग अलग मंडियों में मूली के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो यहाँ पर मूली का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,250 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए, और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,150 रुपए पर। और यहीं की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो सौदे हुए 1,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसके साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। एक खास जानकारी आपको दे दें कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, जल्दी से इसे स्कैन कीजिए। किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं मंडी खबर और देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।